गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारी एक्सरसाइज है 12.8। 12.8 है बर्नौली इक्वेशन। क्या है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली समीकरण? तो बर्नौली समीकरण क्या होते हैं वो देखिए, dy ओवर dx प्लस py बराबर q। हमने पीछे पढ़ा लीनियर इक्वेशन, dy ओवर dx प्लस py बराबर q, ये हमने पढ़ी लीनियर इक्वेशन। ये क्या थी लीनियर इक्वेशन, ये क्या है बर्नौली इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या है, dy ओवर dx प्लस py बराबर q, यहां पे q है, लेकिन यहां पे क्या है y की पावर n। तो क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, dy ओवर dx प्लस py बराबर q y की पावर n, यहां पर y की टर्म आएगी, किसकी टर्म आएगी y की टर्म आएगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा बर्नौली इक्वेशन, ये तो होगी बर्नौली इक्वेशन, ये होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होगी, dy ओवर dx प्लस py बराबर q। बर्नौली इक्वेशन क्या होगी, dy ओवर dx प्लस py बराबर q y की पावर n, y की पावर n आ रही है, इसका मतलब ये है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को देखिए हम चेंज करेंगे, और चेंज करके हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए यहां पर y की पावर n है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दे y की पावर n से। तो देखिए ये आ जाएगा 1/y की पावर n dy ओवर dx प्लस py अपॉन y की पावर n बराबर q। अब देखिए 1/y की पावर n dy ओवर dx प्लस py की पावर 1 माइनस n, y की पावर n को ऊपर ले गया तो y की पावर क्या होगी माइनस n, और बेस अगर सेम हो गए तो पावर का ऐड हो जाएगा, तो y की पावर 1 माइनस n बराबर q। अब देखिए y की पावर 1 माइनस n को मैं v मान लेता हूं, तो y की पावर 1 माइनस n बराबर क्या मान लिया v मान लिया, y की पावर 1 माइनस n को क्या मान लिया v मान लिया, ये बढ़ गई y की पावर n यानी कि x की पावर n। तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए n इसका n क्या है 1 माइनस n, तो 1 माइनस n ठीक है, x यानी कि y n माइनस 1, 1 माइनस n माइनस 1, और अब y का करूंगा तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा dv ओवर dx, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy ओवर dx बराबर आ जाएगा dv ओवर dx। अब देखिए y की पावर माइनस n dy ओवर dx बराबर 1/1 माइनस n dv ओवर dx, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/y की पावर n, ये नीचे आ जाएगी, यह आ जाएगी dy ओवर dx बराबर 1/1 माइनस n dv ओवर dx, dv ओवर dx। अब देखिए मेरे पास में 1/y की पावर n dy ओवर dx, 1/y की पावर n dy ओवर dx बराबर मेरे पास में क्या आ गया 1/1 माइनस n dv ओवर dx। तो मैं ये वैल्यू उठा के देखिए यहां पर रखता हूं y, 1/y की पावर n dy ओवर dx बराबर क्या आ गया 1/1 माइनस n dv ओवर dx प्लस p, इसको मैंने क्या मान लिया था v, ये आ जाएगा v बराबर q। अब देखिए इसको यहां से 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dv ओवर dx प्लस p 1 माइनस n v बराबर 1 माइनस n q, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले क्या करेंगे बर्नौली इक्वेशन को पता करेंगे कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या बर्नौली इक्वेशन है। तो लीनियर कैसी होती है, dy ओवर dx + py = q का फॉर्मेट क्या होता है लीनियर इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन क्या होती है dy ओवर dx + py = q y की पावर n, बर्नौली में y की टर्म आएगी, यहां पर क्या आएगी y की टर्म आएगी, तो y की टर्म को हटाएंगे
तो उसका दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो y की पावर n से डिवाइड किया इसको, तो 1 अपॉन y की पावर n dy ओवर dx plus p y अपॉन y की पावर n बराबर q। अब देखिए y की पावर n को ऊपर लेके गया तो y की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस n बराबर q। अब देखिए y की पावर 1 माइनस n बराबर मैंने मान लिया b, क्या मान लिया y की पावर 1 माइनस n बराबर b, इसका डिफरेंशियल करेंगे x की पावर n से तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, n क्या है हमारे पास में 1 माइनस n, y की पावर n माइनस 1, n हमारे पास में 1 माइनस n माइनस 1, और y का करेंगे dy ओवर dx बराबर db ओवर dx। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो यहां से बचेगा 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy ओवर dx बराबर db ओवर dx। इसको इसके डिवाइड में लेंगे तो y की पावर माइनस n dy ओवर dx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस n db ओवर dx। अब देखिए y की पावर माइनस n है, इसको नीचे लेके जाए तो 1 अपॉन y की पावर n dy ओवर dx बराबर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस n db ओवर dx। अब ये देखिए बिंदु यहां पर 1 अपॉन y की पावर n dy ओवर dx बराबर मेरे पास में आ गया 1 अपॉन 1 माइनस n db ओवर dx। मैंने यहां पर रख दिया 1 अपॉन y की पावर n dy ओवर dx की जगह क्या रख दिया, 1 अपॉन 1 माइनस n db ओवर dx प्लस p, ये आ गया b, क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या माना है y की पावर 1 माइनस n बराबर क्या माना b, तो ये b बराबर आ गया q, कि 1 माइनस n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया db ओवर dx प्लस p 1 माइनस n b बराबर 1 माइनस n q, तो ये बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थी आपकी बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन में y की टर्म आएगी भाई, y की टर्म आएगी, इसका मतलब ये बर्नौली इक्वेशन है, और y की टर्म आएगी तो उसी टर्म से इसमें डिवाइड कर दो बोथ साइड, फिर यहां पर जो चीज आएगी उसको हम मानेंगे, t मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो इसको, तो मैंने मान b मान लिया, इसका डिफरेंशियल किया और इसकी वैल्यू निकाल ली हमने 1 अपॉन y की पावर n dy ओवर dx बराबर, इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई ये, इसको इसमें पुट कर दो तो वो बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। dy ओवर dx पहला इक्वेशन है इसका, प्लस एक्स वाई बराबर एक्स के क्यूब वाई के क्यूब। तो देखिए पता करेंगे हम कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर है क्या बर्नौली इक्वेशन है। तो देखिए मैंने बताया कि यहां पर y की टर्म आएगी, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है, और बर्नौली इक्वेशन में क्या होगा, जो y की टर्म दे रखी है उसी से उसका डिवाइड कर दो। तो देखिए इसका y की क्यूब के दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y की क्यूब dy ओवर dx बराबर सॉरी प्लस x, और ये आ जाएगा y से तो x अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा, ये y की क्यूब इसके नीचे आएगी, y से y कटेगा y स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा x की क्यूब। तो ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1, चलो इसको नीचे रहने दो, 1 अपॉन y की क्यूब dy ओवर dx प्लस x y पे माइनस 2, इसको ऊपर ले गया बराबर क्या आ गया x क्यूब। अब y की पावर माइनस 2 बराबर मैंने मान लेता हूं, लेट कर लो इसको, y पे माइनस 2 बराबर क्या मान लिया, b मान लिया। अब n x की पावर n माइनस 1 से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो n माइनस 2 y की पावर माइनस 2 माइनस 1, और y का करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx बराबर आ जाएगा db ओवर dx, तो यह आ जाएगा माइनस टू वाई की पावर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। इस माइनस टू को उसको नीचे ले जाएं
तो ये आ जाएगा y पे माइनस तीन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस वन बाई टू डी वी ओवर डी एक्स। इस y की क्यूब को नीचे ले जाए तो ये बनेगा वन अपॉन y की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन टू डी वी ओवर डी एक्स। तो देखिए वन अपॉन y की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, वन अपॉन वाई की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मैं क्या निकाल ली, माइनस एक बटा दो डी वी अपॉन डी एक्स। तो मैं वन अपॉन वाई की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखूंगा माइनस वन अपॉन टू, देखिए इसकी जगह रख रहा हूं मैं माइनस वन अपॉन टू डी वी ओवर डी एक्स प्लस एक्स, इसकी जगह आ जाएगा वी बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब। तो माइनस वन बाई टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स वी बराबर माइनस टू एक्स क्यूब। इस टू से इसको मल्टीप्लाई किया तो डी वी ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स वी बराबर माइनस टू एक्स क्यूब। अब ये बढ़ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बढ़ गई, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका आई एफ फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आई एफ फैक्टर। अब प्रोसेस पिछली वाली एक्सरसाइज का ही होगा पूरा का पूरा। अब देखिए आई एफ फैक्टर निकालते हैं इसका, आई एफ फैक्टर निकालेंगे। पहले पी और क्यू को निकालो, पी क्या आएगा यहां पे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का टू एक्स, क्यू का मान आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यू, क्यू का मान आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यू। अब इसका आई एफ फैक्टर निकाल दो, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो देखिए ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा ई की माइनस टू इंटीग्रल एक्स और डी एक्स। इसका करेंगे तो ई की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू से टू कट जाएगा। तो हमारे पास में आई एफ फैक्टर क्या आ गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास में वहां पर देखिए इसकी जगह लीनियर इक्वेशन में y था और या x था, अब की बार हमारे पास में v है तो इसको हम लिखेंगे v इंटू e की पी डी एक्स बराबर इंटीग्रल q इंटू e की पी डी एक्स और डी एक्स प्लस सी। हमारे पास में देखिए यहां पर क्या है v है, वहां पर क्या था y था, तो y इंटू e की pdx बराबर इंटीग्रल q e की pdx dx प्लस सी। लेकिन हमारे पास में यहां पे क्या है v, तो यहां पे देखेंगे v इंटू e की pdx बराबर इंटीग्रल q इंटू e की pdx dx प्लस सी। अब इसके अंदर v इंटू e की pdx की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रल q, q का मान हमारे पास में था माइनस टू एक्स की क्यू माइनस टू एक्स की क्यू इंटू e की pdx का मान आ गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। तो यह आ जाएगा देखिए v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटीग्रल एक्स क्यूब को मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए मैंने एक्स क्यूब को लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक्स में, एक्स क्यूब को किस में लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक्स में, और एक्स स्क्वायर बराबर टी मानता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लो टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं तो ये आ जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी और एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू।
क्या जाएगा, एक्स डी एक्स बराबर क्या जाएगा, डी टी बाई टू। अब देखिए इसको रखेंगे v इंटू, देखिए मैंने इसकी एक्स स्क्वायर बराबर t नहीं माना, इसके अंदर माना तो ये तो ऐसे कैसे आएगी, v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू, और एक्स स्क्वायर बराबर मैंने मान लिया t, और e की पावर माइनस t, ये हो गया t, ये e की पावर माइनस t, और एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी बाई टू, डी टी बाई टू और प्लस सी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे सॉल्व करेंगे, देखिए टू से टू कट जाएगा, v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, अब देखिए ये बढ़ गया आईलेट, क्या बढ़ गया आईलेट, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रूल बढ़ गया आईलेट, तो फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड ये हो जाएगा, तो देखिए माइनस को बाहर रखेंगे, टी इंटीग्रल e की पावर माइनस टी और डी टी माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी टी और टी इंटीग्रल e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी डी टी ओवर डी टी और ये बन, तो यह आ जाएगा v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का करेंगे तो माइनस e की पावर टी, तो यह आ जाएगा प्लस का e की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा एक e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी इंटीग्रल, इंटीग्रल e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी डी टी और प्लस सी, यह आ जाएगा v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का प्लस e की पावर माइनस टी प्लस सी। अब देखिए v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर माइनस टी कॉमन ले लो इसमें, तो यह आ जाएगा t प्लस वन और प्लस सी, e की पावर माइनस टी, टी की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर e की माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे, देखते हैं इसका आंसर। अब v की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, v की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, v की वैल्यू थी हमारे पास में y की पावर 2, तो ये v की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन y स्क्वायर इनटू e की पावर माइनस x स्क्वायर, e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर है भाई। आंसर चेक कर लेते हैं जरा, या इसको हम लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 2 ऊपर जाएगी y की पावर माइनस 2 बराबर बोथ साइड e की पावर माइनस x स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c e की पावर x स्क्वायर, नीचे था ना e की पावर माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसको भी करेंगे तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ गया भाई, क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो ये होता फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इसी प्रकार से देखिए आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, dy ओवर dx
बराबर e की पावर x माइनस e की पावर y। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस वाई और ए की पावर एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस ए की पावर एक्स ए की पावर वाई e की पावर माइनस वाई। e की पावर एक्स माइनस वाई थी, इसको लिखा मैंने e की पावर एक्स इंटू e की पावर माइनस वाई e की पावर एक्स माइनस e की पावर वाई। अब इसको देखिए अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गया e की पावर एक्स e की पावर माइनस वाई e की पावर एक्स माइनस e की पावर एक्स e की पावर वाई और e की पावर माइनस वाई। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर e की पावर टू एक्स e की पावर माइनस वाई और माइनस, यहां से देखिए क्या आ जाएगा e की पावर x और प्लस e की पावर y माइनस वाई e की पावर जीरो। ये क्या हो जाएगी e की पावर जीरो और e की पावर जीरो मतलब एक होता है इसका। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, मैं इसको इधर ले आऊं, प्लस e की पावर x बराबर e की पावर टू एक्स e की पावर माइनस वाई। e की पावर जीरो, e की पावर जीरो का मतलब एक। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये माइनस का था इधर e की पावर एक्स, इस साइड आ गया e की पावर एक्स हो गया बराबर e की पावर टू एक्स और e की पावर माइनस वाई। अब देखिए ये बन गई बर्नौली इक्वेशन, e की पावर माइनस वाई आ गया यानी कि y की टर्म आ गई, y की टर्म आ गई, इसका मतलब e की पावर माइनस वाई से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। देखिए e की पावर माइनस वाई से इसको डिवाइड किया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस e की पावर एक्स इंटू वन अपॉन e की पावर माइनस वाई बराबर आ जाएगा e की पावर टू एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं e की पावर वाई, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस e की पावर x और e की पावर y बराबर e की पावर 2x। अब देखिए e की पावर y इसके बराबर e की पावर y बराबर मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। तो यहां से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्योंकि y की टर्म आ गई, y की टर्म आ गई, इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में लेके आएंगे। लीनियर इक्वेशन में लेके आने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस वाई से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे y की टर्म आई आती है उसी से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पर मेरे पास में इक्वेशन बन गई ये। अब मैं क्या करूंगा, e की पावर y बराबर v मान लिया, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे e की पावर y का, e की पावर y y का करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। अब देखिए इसकी जगह e की पावर y dy ओवर dx की जगह क्या आ जाएगा dv ओवर dx, यहां से क्या आ जाएगा dv ओवर dx, इसकी जगह e की पावर y dy ओवर dx की जगह क्या आ जाएगा dv ओवर dx आ जाएगा। तो dv ओवर dx प्लस e की पावर x into v बराबर e की पावर 2x, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रेखिक अवकल समीकरण बन गई है। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयरिंग करेंगे P और Q को निकालेंगे, किसको निकालेंगे P और Q को। अब देखिए यहां से P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा e की पावर x, Q बराबर क्या आ जाएगा e की पावर 2x। तो इसका आईएम फैक्टर निकाल दो,
तो आई एफ बराबर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ए इंटीग्रेशन पी का मान क्या है, ई की पावर एक्स, और डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स का क्या हो गया, ई तो नीचे पहले से था, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, इसका आई एफ फैक्टर आ गया। अब देखिए इसको फॉर्मूले में रखेंगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है v, तो v into e की pdx इंटीग्रल q into e की pdx और dx plus c, इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब देखिए v इंटू e की pdx, e की pdx का मतलब मैंने निकाल लिया आई एफ फैक्टर e इंटू e की पावर x, e की पावर x इंटीग्रल q, q का मतलब e की पावर 2x, e की pdx का मतलब e की पावर x dx प्लस c। कंपटीशन का सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कंपटीशन का, इसका है कंपटीशन का। देखिए अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो v into e की पावर ex बराबर इंटीग्रल e की पावर 2x को मैं लिख सकता हूं e की पावर x, e की 2x को लिख दिया मैंने e की पावर x into e की पावर x और dx plus c। अब देखिए e की पावर x बराबर t मान लो, मैं e की पावर x बराबर क्या मान लिया t, तो e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो देखिए v into e की पावर x बराबर इंटीग्रल e की पावर x बराबर t माना, ये तो आ गया e की पावर x बराबर t। अब e की x dx ये और ये, e की x dx, e की x dx बराबर क्या आ गया dt, और यहां से बच गया e की x बराबर क्या हो गया t, और ये आ जाएगा dt plus c। देखिए e की पावर x बराबर आ गया t, और e की पावर x dx, e की पावर x और dx बराबर क्या आ गया dt, अंदर बच गया e की पावर x, तो e की पावर x बराबर मैंने t माना, तो e की पावर t dt plus c। अब देखिए वापिस वही चीज आ गई, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे, आइलेट लगा के इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, v इंटू e की पावर x बराबर t इंटीग्रल e की पावर t dt माइनस इंटीग्रल d ओवर dt और t इंटीग्रल e की पावर t dt और ओवर dt प्लस c। यह आ जाएगा v इंटू e की पावर x बराबर t, e की पावर t माइनस इंटीग्रल t का डिफरेंशियल a, e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c, v इंटू e की पावर x बराबर t, e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, v इंटू e की पावर x बराबर e की पावर t कॉमन लिया तो t माइनस 1 प्लस c। v into e की पावर ex बराबर e की वैल्यू रखता हूं e की पावर x माइनस 1 प्लस c। तो देखिए बोथ साइड e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा v बराबर e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस ex, ये e की पावर x से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब v की वैल्यू मेरे पास में क्या थी वो रख दो, v बराबर क्या था मेरे पास में e की पावर y बराबर e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर ex, ये इसका आंसर आ गया भाई, e की पावर y बराबर v
ये इसका आंसर आई है। तो इस प्रकार से इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डी वाई ओवर डीएक्स। माइनस वाई टेन एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। तो देखिए इसके साथ में y की टर्म आ गई, y की टर्म आ गई, इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन है तो y की जो टर्म आती है उसी का इसमें डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन अपॉन वाई टेन एक्स। क्योंकि वन अपॉन वाई स्क्वायर जाएगा तो y से y कट जाएगा, वन अपॉन वाई बचेगा और इधर से आ जाएगा sec x। तो देखिए वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई के पावर क्या हो जाएगी माइनस वन और टेन एक्स बराबर माइनस सेक एक्स, ये चीज बढ़ गई। अब देखिए वाई की पावर माइनस एन को लेट कर लो इसको, माइनस y की पावर माइनस वन बराबर क्या मान ले v मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने v मान लिया, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y की पावर, चलो माइनस माइनस प्लस माइनस वन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। तो नीचे ये आ जाएगा y पे माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स, या इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास में वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। अब देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास में डी वी ओवर डी एक्स, तो यहाँ तो आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स और इसकी जगह मान लिया मैंने v, तो प्लस का v tan x क्या रहेगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने माइनस को भी साथ में ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और बराबर आ जाएगा माइनस sec x। ये बढ़ गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बढ़ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो p बराबर क्या आ जाएगा tan x, q बराबर आ जाएगा माइनस sec x। तो आई एफ फैक्टर निकालते हैं इसका, आई एफ फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन p dx, तो e इंटीग्रेशन tan x और dx, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक होता है log sec x, एक होता है माइनस log cos x। तो देखिए इसके दो फॉर्म लेते हैं, तो ये सेकंड sec में है क्यों इसका, तो इसको भी sec में ले लेते हैं, तो e की पावर log sec x और e log e बेस का मान क्या होता है एक, तो यहां से क्या रहेगा sec x, क्या रहेगा sec x। अब देखिए यहां पे क्या है v, फॉर्मूला क्या बन जाएगा v इंटू e की p dx बराबर इंटीग्रल q इंटू e की p dx और dx प्लस c, तो v इंटू e की p dx का मान मेरे पास में आ गया sec x, q का मान मेरे पास में आ गया माइनस sec x
और इनटू ये कि pdx का मान आ गया sec x और dx plus c, तो v into sec x बराबर माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर x और dx plus c, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है भाई tan x, तो v into sec x बराबर माइनस का tan x और plus c, और v का मान हम रखेंगे क्या, v बराबर ये था मेरे पास में माइनस का वन अपॉन v की जगह मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू रख दो, v का मान था माइनस y पे माइनस वन, इस v की जगह रखा इंटू sec x बराबर माइनस tan x प्लस c, तो ये आ जाएगा एक आंसर, तो ये हो सकता है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं जरा, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वाई sec x बराबर माइनस tan x प्लस c, ये भी इसका आंसर है, और tan x को तोड़ सकते हैं sin अपॉन cos में, sec x को 1 अपॉन cos में, तो tan को sin cos में तोड़ के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आंसर आ चुका है इसका। ठीक है भाई, या इसको साइन को, सॉरी sec को 1 अपॉन cos और tan को sin अपॉन cos में सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, वैसे इसका आंसर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।